आप लोग गैस करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गैस करो। ठीक है, कर लिया। अब मैं बताती हूँ, हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं महादेव के धाम। और मतलब मुझे तो, मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन ये सब रैंडम प्लान हुआ अचानक से, तो जा रहे हैं हम केदारनाथ। अक्सर मेरा ब्लॉग कार के अंदर ही बनता है सारा, है ना। तो गाइस 7 बज चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं केदारनाथ, बस पहुँचने वाले हैं। अभी कितना किलोमीटर होगा? 50 किलोमीटर और होगा। और हम लोग कल 11 बजे रात के निकले हैं और आज 7 बज गए। चमक रहा है क्या? लाइट वाइट लगा रखी है घरों में। बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का और व्यू तो बहुत अच्छा है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और गाड़ी भी पार्क हो गई है। ये लास्ट पार्किंग है, इससे आगे कोई पार्किंग नहीं है। हम लोग चले गए थे लेकिन हमें फिर से रिटर्न लेना पड़ा। और बस अब केदारनाथ के लिए हमें पैदल चलना है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात को मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। हम लोग सो गए सब लोग और ये रूम लिया है हमने। ये आप लोग को ईंट पत्थर का रूम लग रहा है, पर ये लक्कड़ का रूम है। टाइल वाइल सब कुछ लकड़ की है इसमें। रूम देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ईंट पत्थर का ही तो होता है, सीमेंटेड नहीं, ईंट पत्थर का रूम लग रहा है। ईंट पत्थर लगता है ना। और 3500 में ये रूम दिया है, लेकिन इसमें गीजर भी नहीं दिया है। और ये गौरीकुंड में हम लोगों ने रूम लिया है, इसका वॉशरूम है। ये रूम है, और ये टाइल्स भी इसकी लकड़ी की है। ये भी लकड़ी है, सब कुछ लेंटर वेंटर नहीं है। मोजो हाय, मोजो मोजो भी आया हमारा दर्शन करने के लिए। हमारा मोजो। तो मैं बैक करके कैमरा बैक करके आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ, मतलब होटल के बाहर का व्यू। ये है, सब लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए जा रहे हैं सब लोग। यहाँ पे तो सिर्फ रूम मिलता है, मतलब सब लोग रूम लेके रुकते हैं जो भी रात को पहुँचते हैं सुबह। वो पार्किंग है, ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये गौरीकुंड है। गाइस हम लोग निकल गए हैं केदारनाथ के लिए, और कुछ 4 किलोमीटर ऐसे ही चलना होगा। अगर गाड़ी मिल गई तो गाड़ी से जा सकते हैं, 4 किलोमीटर के आगे गाड़ी नहीं जाती है। और अपनी गाड़ी से आओगे तो वो पार्किंग में ही खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि तो यहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है। और यहाँ पे जो कार होगी उसी से जाना पड़ेगा। ये कार के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, 4 किलोमीटर कार से जाना पड़ेगा। गाड़ी बुक करेंगे सब लोग तब जाएंगे, अभी इस लाइन में लगना पड़ेगा। फाइनली लंबी लाइन के बाद हमारा भी नंबर आया और हमें भी गाड़ी में बैठने का मौका मिला। अब यहाँ पे तो फाइनली हमें यहाँ पे घोड़े मिल गए थे, 3 घोड़े, मतलब एक ही इंसान के थे। तो हमने 3 घोड़े बुक किए, एक पे मैं और महक, और मम्मी और सचिन अकेले, क्योंकि महक बहुत डरती है तो वो मेरे साथ बैठी थी घोड़े पे। और बस अब इस यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होगा। क्यों यहाँ
बोला था ना जानदार घोड़े हैं, ऐसा नहीं है। बर्फ गिरी हुई है, ये देखिए कितनी सारी बर्फ है। बस हम लोग मंदिर के कुछ दूर और है। मेरी आवाज़ मेरी निकल रही क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। कुछ लोग पैदल आते हैं, कुछ लोग हमारे जैसे आते हैं हॉर्स से, और कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से हेलीकॉप्टर अभी आएगी और यहीं रुकेगी। मंदिर से कुछ दूरी पर है, ये एकदम पास में है मंदिर से, बस यहीं पे रुकना है। ये फाइनली हम लोग पहुंच गए भोले बाबा के मंदिर, और अब लाइन लगी हुई है बाबा से मिलने के लिए बहुत लंबी सी। तो ये जगह जन्नत है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। और मुझे तो, मैं तो इमोशनल हो गई थी, मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मैं केदारनाथ जाऊंगी, मतलब वाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस दर्शन हो चुका है, हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली घर पहुंच गए, और मैंने रिटर्न वीडियो नहीं बनाई जब हम पहाड़ पे चले गए थे, उसके बाद आने की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत थक गई थी, आते ही मैं सो गई कार में। तो अब मैं वहाँ से आने के बाद लास्ट ये क्लिप ले रही हूँ। उसके बाद अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।